हाय फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मटका पर्स बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैं पेपर पे कटिंग करूंगी मटका की डिज़ाइन में। देखिए, लंबाई इसकी 15 इंच और चौड़ाई इसकी 13 इंच रहेगी। और यहाँ से देखिए, मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। फिर 5.5 पे देखिए, 6 इंच ऐसे करके कर देना है। उसके बाद यहाँ इस तरह से मिलाना है और 2.5 इंच पे, 4 इंच पे इस तरह से गले का निशान जैसे बनता उसी टाइप का बनेगा ये। तो यहाँ से कटिंग हो जाएगी। और प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा, थोड़ा सा देखने से नहीं समझ में आएगा। तो अब देखिए, एक और कटिंग मैं कर रही हूँ जिसमें चैन जॉइंट करना है और डोरी लगानी है। तो देखिए किस तरह से, यहाँ से इस तरह से कर लेना है इसको। देखिए इस तरह से हो गया। और यहाँ देखिए इस तरह से इसको रखना है। देखिए इस तरह से मैं पेपर को रख ले रही हूँ। और फिर यहाँ से कटिंग कर लेना है इसका। जिस तरह से पेपर की कटिंग हुई थी उसी तरह से रहेगा सेम। तो अब यहाँ से देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये हो गया। अब मैं देखिए, जो यहाँ चैन के लिए काटी थी, निकाली थी पेपर का, वो देखिए इस पे रख रही हूँ। और यहाँ निशान लगा लेना है, फिर इसकी कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है एक तरफ कट करके। उसके बाद फिर इससे होता है कि बराबर कटेगा। तो ये पूरा देखिए कट गया है, इस तरह से रहेगा इसको। यहाँ पे इस तरह से जॉइंट किया जाता है। तो मैं जब सिलूंगी तो उसमें देखिएगा किस तरह से क्या करना है। अब यहाँ से ये नाप लेना है, इतना 13 है तो 26, लगभग 26 से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 27 इंच का मैं यहाँ निकाल ले रही हूँ एक पट्टी। साढ़े 3 इंच का इस तरह से निशान लगा लेना है पूरे में। फिर काटना है। तो ये हो गया। इसके लिए मैं 1 मीटर कपड़ा ली थी पर्स बनाने के लिए। और अब इस कपड़े का मैं डोरी निकालूंगी। जो पर्स में लगेगा यहाँ से बीचों बीच काट के निकाल लेना है। तो 2 तैयार हो जाएगा इसमें। ये पर्स पूरा तैयार हो गया कट करके। देखिए 2 पट्टी डोरी की, 1 साइड में लगाने की, ये चैन जॉइंट करने की हो गई, और ये पर्स का हो गया, पूरा कट के तैयार हो गया है। अब यहाँ मैं मशीन पे ले चलती हूँ। और देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ 3 इंच पे एक कटिंग करूँगी चैन लगाने के लिए। देखिए इस तरह से काट लेना है। ये पीछे का है, ये कट गया। फिर मैं इसमें चैन लगाऊंगी।
इस तरह से देखिए जो कटिंग किया हुआ था वहाँ साइड में भी कट कर लेना है, फिर चैन ज्वाइंट करना है। तो ये हो गया, अब इसे अंदर करके फोल्ड कर दूंगी। ये तैयार हो गया। आगे का देखिए है, आगे वाले को मैं इस तरह से कटिंग की हूँ तीरा करके और पूरा कट कर ली हूँ। और देखिए इस तरह से पाइपिंग इसमें लगेगा और यहाँ चैन ज्वाइंट किया जाएगा, तो मैं ये कर ली। ये हो गया देखिए पाइपिंग बना करके, इसको इस तरह से चैन लगा ली हूँ। दोनों तरफ का तैयार हो गया। तो अब मैं इसमें जेब जो ज्वाइंट करना है चैन के लिए, देखिए इस तरह से कपड़ा लेकर के इस पर सिलाई कर लेनी है। हो गया। देखिए इस तरह से थैली बन गई और यहाँ बीच से सिलाई कर लेनी है और तब इसमें दो जेबें बनेगी। ये हो गया। अब मैं पीछे वाले में कपड़ा ज्वाइंट करूँगी, तो यहाँ पे देखिए एक और अंदर की तरफ ज्वाइंट करना है। तो ये जेब अंदर से खोलने पे दिखेगा। यहाँ मैं चैन नहीं लगा रही हूँ, आप चाहें तो चैन भी लगा सकती हैं। अब इस तरह से इस पे ज्वाइंट कर लेना है। देखिए ये हो गया। अब मैं इसे इस वाले पल्ले पे ज्वाइंट करूंगी, इस तरह से सिलाई कर लेनी है और ये चारों तरफ से सिलाई करनी है इसमें। तो ये हो गया। अभी हमें डोरी बना लूंगी, देखिए 2.5 इंच का है और इसे फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। जैसे डोरी उलटी जाती है उसी तरह से इसे करना है, ब्लाउज की डोरी जिस तरह से आप उलटती हैं उसी तरह से सिलाई करके कर लेना है। और यहाँ देखिए अब मैं इसको ज्वाइंट करूँगी। देखिए एक्स्ट्रा है कपड़ा तो काट के निकाल लेना है। हो गया। इस तरह से छोटा छोटा कट करना है जिससे उलटने में आसानी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं चैन लगाई हूँ इसमें नीचे और डोरी दोनों तरफ, ये देखिए ज्वाइंट कर ली हूँ। तो ये हो गया और पीछे का पल्ला तैयार है। यहाँ मैं रनर लगा लेती हूँ इस तरह से। तो ये हो गया। अब फिर जो 3.5 इंच की पट्टी कटी थी अब वो ज्वाइंट होगा यहाँ पे। रनर को इस तरह से दोनों तरफ से दबा देना है क्योंकि मैं खोल के रनर को लगाई हूँ। देखिए इस तरह से 3.5 इंच की जो पट्टी है और लंबाई इसकी 27 इंच है, तो यहाँ पे इस तरह से जहाँ चैन लगाई हूँ वहाँ बीच से ज्वाइंट करना है इस तरह से। 3.5 इंच वाला चैन वाले पट्टी में ज्वाइंट करनी है। उसके बाद देखिए इस तरह से चारों तरफ से इसमें अब ज्वाइंट हो जाएगा।
प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और साथ में सब्सक्राइब नहीं की हैं अभी तक चैनल मेरी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आपको कैसा लगा मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।